संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण के बिल को पेश कर दिया है। यहाँ पर हम लोग सीधे अमर बावरी जी से जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने खुद इस बिल को पेश किया है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? आज विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का दिन है और श्री गणेश जी के दिन पे नई शुरुआत, नए संसद भवन में जो भारत को 2047 में जो नए मुकाम पर लेकर के जाएगा आज़ादी के 100 सालों में, तो उसकी बुनियाद आज से रखनी जानी प्रारंभ हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल से इसे शुरुआत किया है, तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक निर्णयों का दिन है। और मैं कह सकता हूँ कि लक्ष्मी स्वरूपा मातृशक्ति को यह दिन भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में भी हमेशा याद किया जाएगा, जहां उनकी प्रमुख भागीदारी भारत के निर्णयों में, भारत को आगे बढ़ाने के निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अब होगी। इसलिए मैं समस्त मात्र जो अपनी माताएं हैं सभी को मैं बहुत बधाई और आने वाले भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। सर, लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि सबसे पहले हम लोगों ने इस बिल को लाने का काम किया था, सबसे पहले ये जो बिल है वो 1996 में लाया गया, फिर 1998 में, 1999 में, 2002 में और 2010 में इसे राज्यसभा से पास किया गया, लेकिन लोकसभा में जा कर के ये लैप्स कर गया था। अब ये लैप्स नहीं करेगा, अब यह मूर्त रूप लेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है उसको करके दिखाया है। और यह मूर्त रूप लेकर के 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें अपनी माताएं बहनें बड़ी संख्या में इस देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठ करके देश का भाग्य का निर्धारण करेगी। मैं इसलिए सभी को, आप सहित सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, तो लगातार इस बिल को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया है और इसके साथ ही बीजेपी लगातार अपनी बातों को यहाँ पर रख रही थी। हमारे साथ विधायक अमर बावरी मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें हमारे साथ रखी कि ये तमाम कांग्रेस जो है लगातार ये सारी बातें करती थी लेकिन वो इसे लागू नहीं करा पाई थी, लेकिन अब वो लागू हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।